अयोध्या जनपद के मवई थाना क्षेत्र के ग्राम रानीपुर मजरे जैखूमपुर में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास का मामला सामने आया। दो दिन पहले गांव के एक युवक ने गांव के एक विवाहिता से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वहीं पीड़ित विवाहिता का आरोप है कि गांव के युवक ने कहा है कि तुम्हारे ससुर ने तुमको गन्ने की पत्ती लाने के लिए बुलाया। विवाहिता उसकी बात पर विश्वास करते हुए खेत को चल दी। विवाहिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब वह नहर पटरी पर पहुंची, पीछे से युवक ने उसको पकड़ लिया और चाकू निकालकर एक झाड़ी में खींचकर ले गया, तभी उसके साथ दुराचार करने का प्रयास करने लगा। विवाहिता ने भी काफी साहस दिखाते हुए संघर्ष किया और किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर शोर मचाते हुए भाग निकली और घर आकर अपने पति से अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। आपको बताते चले कि विवाहिता के साथ युवक की हुई छीना झपटी में तेज धारदार चाकू से युवक के गुप्तांग में चोट लग गया, जिससे वह घायल हो गया। वहीं युवक के घर वालों ने उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और वह इस घटना के बाद पति ने अपनी पत्नी के साथ युवक के खिलाफ तहरीर भी दे दी। रुदौली क्षेत्राधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र यादव ने बताया कि तहरीर मिली है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जमीनी विवाद पहले से ही चल रहा है। मौके पर जांच के लिए पुलिस को भेजा गया। वहीं इस मामले की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हम भैया रानीपुर के रहने वाले हैं। राखिया साए हमसे कहें कि तुम आप बा गए हैं गन्ना छिले, जाओ गौरव उठा लो। हम गौरव उठावे गई, बस हम कहूँ रास्ता में पकड़ लें। उसके बाद में हम चिल्लाने गुहार मचाओ, हमारा कोई सुनिश नहीं। उसके बाद में जो हम कहा कि हमका छोड़ दियो, तो कहें तुमका हम जान से मार देवे, काट डरबे, जिंदा तुमका ना रखबे। उसके बाद में हम छुड़ाए उड़ाए, जो हमको चाकू दिखाए ना हमका, तो हम कहा भाई हमका चाकू कुछ मारो और ना, तो कहें कि नहीं बिना मार दे तुमका मन बहना, तो हमके साथ गलत काम करे जा रहे हैं। चाकू रख के बस हम चाकू उनसे छीना व उनका कहूँ लग गवा, फिर हम वहाँ से भागिन प्रधान के द्वारा गए। प्रधान से कहा हमें आदमी के पास फोन कर दियो, प्रधान फोन करें हमारा आदमी आवा नेवरा से नहीं। ओके बाद में हमका थाने लेके होगा, थाने हम रिपोर्ट लिखावा, थाने हम जमा कर फिर बैठी रही वहाँ से बस चली आई। ये मवई थाना पर एक प्रकरण आया है जिसमें रानीपुर गांव मजरा नेवरा का है। वहां से एक महिला ने एप्लीकेशन दी कि हमारे साथ अश्लील हरकत एक गांव का ही लड़का करता था और उस दिन भी करने की बात कही, लेकिन उसमें प्रथम दृष्टया जो हमारे एसआई हल्का एसआई थे वो जांच पे गए, तो उनके बीच भूमि विवाद का होना भी पता चला कि पहले से भूमि विवाद चल रहा है। बहरहाल उसमें हम लोग तथ्यों को गहराई से जांच कर रहे हैं और जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। घटना को हुए ये दो दिन हो गया, लगभग दो दिन पहले घटना है।